नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही है आप और मैं हूँ आपके साथ प्रज्ञा सिंह। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आपराधिक केस में सजा के चलते संसद सदस्यता के अयोग्य लोगों की दोबारा बहाली के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। बीते 20 अक्टूबर को मामले में सुनवाई शुरू हुई, लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत अन्य नेताओं का जिक्र कर सदस्यता बहाली को चुनौती दी गई थी। इस पर कोर्ट ने जनहित याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 1,00,000 रूपए का जुर्माना भी लगाया। याचिकाकर्ता ने कहा था कि जब तक ऊपरी अदालत निर्दोष न ठहराए सदस्यता बहाल होना गलत है। जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा, याचिका कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है क्योंकि याचिकाकर्ता के किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट याचिकाकर्ता वकील अशोक पांडे की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। दरअसल आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट से 4 अगस्त को राहुल गांधी की मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाए जाने के बाद सदस्यता बहाल कर दी गई थी। राहुल गांधी को मार्च 2023 में लोकसभा से अयोग्य घोषित किया गया। दरअसल आपको बता दें, बीजेपी नेता पुनेश मोदी ने 2019 में राहुल गांधी के खिलाफ उनके सभी चोरों का सामान्य उपनाम मोदी कैसे पर आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था। राहुल गांधी ने ये टिप्पणी 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान दी थी। इसको लेकर बीजेपी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अन्य पिछड़ा वर्ग को अपमान किया है। इस पर राहुल गांधी ने पलटवार करते हुए कहा था, असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास है, केंद्र सरकार ने ओबीसी के लिए कुछ नहीं किया। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद ये मामला गुजरात हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जिसके बाद 4 अगस्त को राहुल गांधी से सुप्रीम कोर्ट में बड़ी राहत मिली और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी की सजा पर रोक भी लगा दी, जिसके बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल कर दी गई और ऐसे में राहुल गांधी को अब एक और बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से मिल चुकी है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।